हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उषा, इनमें स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ चार सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर देखने को मिलते हैं, एक या दो तीन कुछ भी, अगर चारों में से कोई भी आपको देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप अंदाज़ा लगा सकती है कि आपको बेटा होगा कि बेटी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं साथ ही, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश आप सब लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और एक कमेंट बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का या फिर मेरे चैनल का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का लड़की में भेदभाव करे। आपको जेंडर प्रिडिक्ट करना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ही सिखाते हैं सभी लोग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें या फिर आप लिंग परीक्षण करवाएं या फिर ये। वैसे भी हमारे इंडिया में आपको तो मालूम ही है कि लिंग परीक्षण करवाने एक कानूनी अपराध ही है, तो इस सब झंझट से हमें दूर रहना चाहिए। हमें अपने बच्चे को पूरा प्यार करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे बता दूँ कि मेरा बिल्कुल नया चैनल है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो भी जानकारी मुझे मिल रही है ना, मेरे अड़ोस पड़ोस से, मेरी बड़ी बुजुर्ग दाई माँ है, जो मेरी दादी सास है, वो सब मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बताती थी ना सिम्टम और सही बैठते थे, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उसी के हिसाब से। तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों कि अगर आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पहली तिमाही में आपको अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, कोई भी बदबू से, स्मेल से आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील आ रही है लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो आपको एक लड़का होगा ऐसा माना जाता है, ठीक है। और आपको बार बार अगर वॉमिटिंग हो रही है सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, सेकेंड थर्ड और फोर्थ मंथ में भी अगर आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो माना जाता है कि आपको एक लड़की होगी। तो ये तो हो गया पहला सिम्टम जो मुझे अपनी प्रेगनेंसी पर बहुत ही सटीक और ठीक बैठा था, 110% ठीक बैठा था। मुझे भी वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आ रही थी, कोई चीज़ है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती जो मुझे प्रेगनेंसी से पहले पसंद थी, लेकिन वॉमिटिंग कभी नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। तब बात कर लेते हैं हम दूसरे सिम्टम के बारे में। तो दूसरा सिम्टम है कि जैसे जैसे दोस्तों आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना, तो आपका पेट का शेप है वो बदलता जाता है, मतलब आपके बच्चे का विकास है आपके गर्भ में है वो पूरा बढ़ता जाता है, तो आपका पेट का शेप भी बदलता रहता है। तो आपको देखना है कि अगर सातवें आठवें महीने में अगर आपका पेट है वो नीचे की तरफ अगर झुका हुआ है, अंडाकार पेट आपको दिख रहा है, तो माना जाता है कि आपको एक लड़का होगा। और वहाँ अगर आपका पेट है वो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, मतलब पूरा गोल है, बहुत ही बड़ा हुआ मटके जैसा, मतलब अंडाकार नहीं मतलब मटके जैसा, तो माना जाता है कि आपको एक लड़की होगी दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दूसरा सिम्टम। ये मुझे अपनी प्रेगनेंसी में ठीक बैठा था, 110% ठीक बैठा था। मुझे भी अपना पेट है वो, मैं अगर आईने में देखती थी ना, तो मुझे भी अपना पेट है वो नीचे की तरफ झुका हुआ देखने को मिलता था। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा सिम्टम के बारे में। तो तीसरा सिम्टम है दोस्तों कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आप पूरी पूरा दिन रात सोते ही रहते हैं, आपको आंखें खुली नहीं पाती, इतनी ज़्यादा नींद आती है आपको, तो माना जाता है कि आपको एक प्यारी सी बेटी होगी। और वहाँ अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, 10-15 मिनट में आपकी बिल्कुल नींद टूट जा रही है, रात में भी आप कंटिन्यूस एक साथ नहीं सो पा रहे हैं, दिन में भी नहीं सो पा रहे हैं, तो ये लक्षण दोस्तों गर्भ में एक लड़का होने का माना जाता है, क्योंकि गर्भ में लड़के हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इस वजह से ये लक्षण को सही माना जाता है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी आना। तो दोस्तों, ऐसा मतलब सफ़ेद पानी तो हर किसी को आता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी टेंशन वाली बात है नहीं कि आप देखेंगे तो आपके सातवें आठवें और नौवें महीने में आपको ये सफ़ेद पानी आना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी को तो चौथे पाँचवें महीने में भी आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नौवें महीने में आपको ज़्यादा ऐसी तकलीफ महसूस होगी। तो वो नौवें महीने में अगर आप जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो आपका सफ़ेद पानी का थोड़ा ना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी भी क्या होता है कि आपकी जब भी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो उससे तो कुछ घंटे पहले, एक दो दिन पहले आपको म्यूकस प्लग आपका जो होता है, बच्चेदानी के मुंह पर जो एक चिकना पदार्थ है वो चिपका हुआ रहता है ना,
वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि एक वाइट पानी की तरह होगा, बिल्कुल चिपचिपा, और उसमें से कभी कभी कुछ रंगीन पदार्थ भी साथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ डार्क ब्राउन कलर का है, रेड कलर का है, ऐसा पदार्थ भी निकल सकता है। तो इसको म्यूकस प्लग बोलते हैं। तो इसके निकलने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी है वो तुरंत ही होने वाली है, कुछ ही घंटों में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 सिम्टम थे वो मैंने बताए हैं, मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सपीरियंस हुआ था वही। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।